चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का अपना सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने वेब पेज पे जाना होगा, तो हम वेब पेज को सर्च कर लेते हैं। हमारा वेब पेज है प्रोग्रामिंग्स, ठीक है। आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग्स, प्रोग्रामिंग्स लिखना याद रखिएगा। हम अपने पेज पे खुल जाएंगे, सबसे ऊपर जो आ रहा है टॉप के ऊपर है हमारा पेज है, इसे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा प्रोग्रामिंग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये हमारे पेज का नाम है। चलिए हम अपने पेज के हेड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने क्या करना है, गुरुकुल बीसीए, बीसीए के अंदर पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग इन सी, और हमने यही क्लियर करना है। ये सबसे बेसिक्स होता है, बेसिक्स इन सी है, ठीक है। तो हमने इसे क्लियर ओके कर लेना है, ठीक है। हम अपने पेज पे पहुंचेंगे जिसे कहते हैं कंटेंट पेज, ठीक है। यही कंटेंट पेज हमें क्लियर करना है हमारी बेसिक सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। तो क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहला चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स, फंडामेंटल ऑफ सी, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, फोर्थ है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, फिफ्थ है कंट्रोल स्टेटमेंट, सिक्स्थ है एरे, सेवन्थ फंक्शन, एट्थ स्टोरेज क्लासेस, नाइन्थ स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, टेंथ पॉइंटर एंड इलेवन स्ट्रक्चर एंड यूनियंस, ट्वेल्व फाइल हैंडलिंग इन सी एंड थर्टीन इज सर्चिंग एंड स्टोरिंग टेक्निक। ये 13 का 13 चैप्टर को अगर हम क्लियर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमें सी प्रोग्रामिंग आ चुकी है, ठीक है। सी एडवांस के लिए हम लोग बीसीए सेकंड सेमेस्टर के लिए ट्राई करेंगे। अभी हम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हमें यही ट्राई करना होगा। सबसे पहले हमारे ऊपर दिया हुआ है सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स, हम आज यही करेंगे, ठीक है। इसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पेज खुल जाएगा सी प्रोग्रामिंग बेसिक चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। यही हमें क्लिक करना है। चलिए हम अपने पेज पे खुल चुके हैं और सबसे पहले हमें क्या दे रहा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ दे रहा है कि व्हाट इज प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल के, देखिए यहाँ पे तो व्हाट इज प्रोग्राम, यहाँ लिखा हुआ है ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेट टू द इंग्लिश लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब इसे आसान भाषा में समझाओ तो क्या होता है, देखिए हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लेते हैं और फिर बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और ये मेरे को किसको समझाना है, ये मुझे समझाना है अपने कंप्यूटर को, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है क्या कौन समझना चाहिए, कंप्यूटर। लेकिन लेकिन एक बात है, कंप्यूटर क्या आता है, कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं आती, इससे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। अब ये इसके साथ दिक्कत है कि ये सिर्फ जीरो और वन के लैंग्वेज को जानता है, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर जानता है बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन मैंने जो प्रोग्राम दिया है वो इंग्लिश में दिया है, क्योंकि प्रोग्राम तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा ना, मुझे बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे नहीं पता 01 01 01 कैसे लिखना है, ठीक है। तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखूंगा और कंप्यूटर को समझाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, वो क्या कहेगा, मुझे बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। अब ऐसा समझ लिए कि एक इंडियन है एक चाइनीज है और दोनों को कन्वर्सेशन करनी है, दोनों के दूसरे से बात करनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसे चाइनीज आती है मुझे हिंदी आती है, हम दोनों में बात नहीं हो पा रही है। तो एक थर्ड पर्सन चाहिए, थर्ड पर्सन क्या करेगा, वो मेरी बातों को उसको समझाएगा और उसकी बातों को मुझे समझाएगा, यानी जो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन को हिंदी भी आती होगी चाइनीज भी आती होगी। इसी तरह जो हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं, इनको दोनों आता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और मशीन को समझा देते हैं, और मशीन जो बाइनरी लैंग्वेज में आंसर देता है उसे इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्लीट करके हमें समझा देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रोग्राम क्या होता है, अब ये जो लिखा है मैंने, ये प्रोग्राम है क्या, तो कह रहा है एक प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है कंप्यूटर को उनका एक सेट बनाया हुआ है, उन्हें एक डिफाइंड अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, मैंने उन्हें अरेंज किया है एक एक ऑर्डर के साथ लिखा हुआ है कि ये काम मेरा ये है, ये काम ये है, ये काम ये, कंप्यूटर को समझाने के लिए, अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने कंप्यूटर को क्या किया है, प्रोग्राम दिया है, ठीक है। अब प्रोग्राम इज यूज टू ट्रांसलेट, अब देखिए आगे उसने कहा भी है प्रोग्राम क्या होता है, यूज होता है इसमें ट्रांसलेट टू इंग्लिश लैंग्वेज इन टू बाइनरी लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब है इसे रन करने से पहले ही कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है, रन करने से पहले इस लैंग्वेज को कंपाइल करना होता है, यानी कि इसको बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट करना होता है, देन रन करके कंप्यूटर को देना होता है, कंप्यूटर आगे आंसर हमें देता है, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन में ये क्या बोलते हैं प्रोग्राम होता क्या है और इसकी लैंग्वेजेस क्या होती है। अब हम नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, इसे रेज करता हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा है, द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग इज सो लॉन्ग, ठीक है, इन इसलिए इन 1940s ओनली द मशीन लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज, कहने का मतलब है कि 1940 के समय में जो लैंग्वेजेस थी वो मशीन लैंग्वेज थी, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज थी 0101, ठीक है, इस लैंग्वेज के ऊपर मशीन काम करते थे। अब मैं बता दूं कैसे काम करते, तो भी आपको बताता हूँ, 01 की अगर हम बात करें, ठीक है,
जीरो वन की बात करें तो ये है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर कैसे समझता है, जीरो का मतलब होता है ऑफ, वन का मतलब होता है ऑन, यानी कंप्यूटर सिर्फ इतना ही समझ पाता है, कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। एग्जाम्पल अगर अच्छे से बात करें तो मशीन समझ पाती है कि यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शंस ऑफ करनी है, यहाँ ऑन करनी है, ठीक है, बस उसी चीज़ को जानता है, उसी चीज़ को, उसी सिग्निफिकेंस को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है सी लैंग्वेज की, कि सबसे पहले 1972 के अंदर बेल लेबोरेटरी के अंदर रिचर्ड ने, डेनिस रिचर्ड उनका नाम था, उन्होंने 1972 के अंदर बेल लेबोरेटरी के अंदर इस सी लैंग्वेज को बनाया था। इससे पहले सी, अच्छा इसका नाम सी लैंग्वेज के ऊपर अभी बता दूंगा आपको, इसका नाम सी लैंग्वेज इसलिए पड़ा क्योंकि इससे पहले ए और बी लैंग्वेज थी, ठीक है, इससे पहले बी लैंग्वेज थी जिसे BCPL कहते थे, और भी बड़ी सारी लैंग्वेजेस थी, ठीक है, ये बी का ही एक एडवांस वर्जन था। डेनिस रिचर ने, ऐसा नहीं कि डेनिस रिचर ने डायरेक्टली लिखा था सी प्रोग्रामिंग को, नहीं ऐसा नहीं था, इससे पहले भी प्रोग्रामिंग चलती थी और बहुत साइंटिस्टों ने लिखा हुआ था। डेनिस रिचर ने क्या किया था, उन जो भी लैंग्वेजेस थी वो एडवांस नहीं थी, वो नॉर्मल थी, तो उन्हें एडवांस करके लिखा था, तो इसलिए कहा जाता है कि ये सी लैंग्वेज है, यानी इससे पहले भी बड़ी सारी लैंग्वेज थी जैसे BCPL और फोर्टोन, ठीक है, ऐसे बड़ी सारी लैंग्वेजेस थी, और फिर इसी का एडवांस वर्जन आया था सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का एडवांस आया C++, इसका एडवांस वर्जन आया C#, ठीक है, इस हिसाब से बड़ी सारी लैंग्वेजेस बनती गई, लेकिन स्टार्टिंग जो वर्जन थी वो BCPL फोर्टन जैसी लैंग्वेजेस थी जिससे कि लिखा गया था, और डेनिस रिचर से पहले लिखा था 1940s के समय में लिखा गया था इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है हमारे, आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डेनिस रिचर ने बेल लेबोरेटरी के अंदर USA के अंदर सी लैंग्वेज को लिखा था, ये याद रखने वाली चीज है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, और ये एक एडवांस वर्जन था, डेवलप था, तो इसे सी लैंग्वेज का नाम दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज क्या है, क्लैरिटी, एफिशिएंसी, कैश सेंसिटिव लैंग्वेज, पोर्टेबिलिटी, कॉम्पैक्ट कोड मॉड्युलैरिटी, लेस नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड सी लैंग्वेज अलोन्स। ठीक है, अब हम इसकी एक एक करके बात करते हैं और क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज का है क्लैरिटी। अब अगर हम क्लैरिटी की बात करें तो क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं, ये सब क्लियर हैं, इनका काम क्लियर है, इनकी रिटर्न क्लियर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ इंटीजर, अगर आप नए हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा समझने का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा। अभी ये सब आगे जब आप करेंगे ना इस चीज़ को तो आपको पता लगता जाएगा, जैसे कि इंट, फ्लोट, ऐसे करेक्टर्स, ठीक है, ऐसे बड़े सारे क्या बोलते हैं कीवर्ड्स हैं जो कि क्लियर लिखे हुए हैं, क्लियरिटी के साथ लिखे हुए हैं, और इनके क्या काम है ये भी क्लियर लिखा हुआ है, यानी कि पहला करेक्टरिस्टिक जो है क्लियरिटी, ये इसके अंदर फिट बैठती है कि जो सी प्रोग्रामिंग की कीवर्ड्स हैं या इसकी लैंग्वेजेस हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज हम लिखते हैं वो क्लियर लिखते हैं हम लोग, कुछ भी उसमें मिक्स वैरायटीज नहीं लिखते, क्लियर होता है कि हाँ इंटीजर का काम इंटीजर को ध्यान देना है, फ्लोट का काम पॉइंट्स वैल्यू को ध्यान देना है, करेक्टर का काम करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम करना है, तो ये अपना काम अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, क्लियरिटी, कि 32 कीवर्ड्स क्लियर लिखे हुए हैं और ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज क्लियरिटी है जो इसको बढ़ाते हैं। सेकंड क्या है, एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि जो हमारा सी लैंग्वेज लिखा हुआ है ये बोथ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये लो लेवल लैंग्वेज भी जानता है और अपर लेवल लैंग्वेज भी जानता है, दोनों ही, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया, जैसे कि हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ये कहते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज को, किसे कहते हैं, मशीन लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज जानता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लो लेवल लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जीरो और वन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, मशीन सिर्फ इसी लैंग्वेज को जानता है और ये लो लेवल लैंग्वेज है, तो इसीलिए इस मशीन लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी बाइनरी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। इसी तरह होता है अपर लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब अपर लेवल लैंग्वेज क्या है, अपर लेवल लैंग्वेज होता है जो हम लोग बात करते हैं, जो ह्यूमंस बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस को बात करने के लिए, एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर करने के लिए हमें एक अच्छे खासे उसकी अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग जिस इंग्लिश का यूज करते हैं, इंग्लिश क्या है, अपर लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और मशीन लैंग्वेज 01 क्या है, लोअर लेवल लैंग्वेज है। अगर आप लोग ज्यादा तो लोअर लेवल लैंग्वेज में काम करेंगे तो मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, एक मशीन है
मशीन की एफिशिएंसी कब बढ़ जाएगी, जब आप लो लेवल लैंग्वेज में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपर लेवल लैंग्वेज में काम की, तो जो आपने प्रोग्राम लिखा है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर एफिशिएंसी की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स को एफिशिएंसी की बात करें, तो अगर आपने 01 में कोर्स किया मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज बढ़ेगी, और अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स के प्रोग्राम्स को लिखे, तो ये प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये एफिशिएंसी है इसके। नेक्स्ट हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी इसी के साथ जुड़ता है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज में क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो, इसको मिटा देता हूं पहले मैं, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्मॉल ए एंड कैपिटल ए दोनों को सेम नहीं मानता। ये हमारे लिए दोनों ही सेम है। अगर मैं लिखूं ऑटो तो मेरे लिए ऑटो है, अगर मैं लिखूं ऑटो तो मेरे लिए ऑटो है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो इन दोनों को अलग समझता है, इसीलिए इसे कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि ए का मतलब कुछ और है और कैपिटल ए का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो अगर आप कुछ इंटीजर्स जैसे लिख रहे हैं इंटीजर्स, और इंटीजर बता रहे हैं कि इंटीजर क्या है, ए, यानी ए में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो मेरे इंटीजर होगी, तो आपको स्मॉल ए लिखना होगा। अगर आपने इसके जगह कैपिटल ए लिखा तो इसका मतलब बदल जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसे वो एरर बताएगा कि दिस इज एरर, ठीक है। तो इसे कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टेबिलिटी। अब देखिए पोर्टेबिलिटी क्या होता है, पोर्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंप्यूटर, और इस पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा, कोई भी प्रोग्राम, ये मैंने प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस लैंग्वेज को कॉपी किया, ठीक है, इसे मैंने पेन ड्राइव में डाला, और मैं गया दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, और मैंने उस कंप्यूटर में इसे फीड कर दिया, डाल दिया, और जब मैंने इस पर रन किया तो क्या होगा, यहाँ पे रन कर जाएगा, यानी पोर्टेबिलिटी पूरी है सी लैंग्वेज के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने इस कंप्यूटर पर काम किया तो सिर्फ इसी कंप्यूटर के ऊपर रन करेगा, बाकी किसी कंप्यूटर पर रन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि सी लैंग्वेज के पास अगर पोर्टेबिलिटी है, तो अगर एक कंप्यूटर के ऊपर रन कर रहा है तो वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी सेम ही रन करेगा, ठीक है, बिना किसी एरर के साथ, कोई एरर नहीं देगा आपको। तो ये पोर्टेबिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। जब आप याद करते हैं तो ये सब चीजें भी याद रखा कीजिए, स्टोरी याद रखा कीजिए, आपको पोर्टेबिलिटी याद रहेगी। नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट कोड, ठीक है, कॉम्पैक्ट कोड, मॉड्युलैरिटी और लेस नंबर ऑफ कीवर्ड्स। अगर हम कॉम्पैक्ट कोड की बात करें, चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं, चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट कोड की, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट कोड क्या होता है, कॉम्पैक्ट कोड होता है यानी कि अगर जो हमारा सी प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज है, और इसके अंदर मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, तो अगर एक कॉम्पैक्ट कोड की करेक्टरिस्टिक्स है हमारे सी लैंग्वेज के अंदर, तो ये क्या करेगी कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइनें, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, ये 20 लाइनों के अंदर भी हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, रिड्यूस द स्टेटमेंट कर देगा, रिड्यूसिंग, ठीक है, इन स्टेटमेंट, जो भी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं उन्हें क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो इंट ए, फिर इंट बी, इंट सी, ये लिखने की जगह है मैं सीधा ये लिख सकता हूं इंट ए बी सी, एक ही लाइन में हो गया काम। ऐसे में लिखने बैठता तो जितने भी मैं वेरिएबल्स देता अपने कंप्यूटर्स के अंदर, अपने सी प्रोग्राम के अंदर, उतने वेरिएबल्स के लिए मुझे इंट 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 लिखना पड़ता है। तो क्या है, कॉम्पैक्ट कोड का मतलब है कि क्या करता है, हमारा रिड्यूस इन स्टेटमेंट कर देता है, जो भी स्टेटमेंट होती है उसमें रिड्यूसिंग कर देता है। तो ये भी हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर एक फायदेमंद करेक्टर है, क्या है, कॉम्पैक्ट कोड। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्युलैरिटी, ठीक है। अब मॉड्युलैरिटी क्या होती है वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है, चलिए प्लस को इरेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने मॉड्युलैरिटी, ये सब आप आगे पढ़ेंगे, अभी बस सुनते जाइए और ध्यान देते जाइए।
मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी क्या होता है? मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है मॉड्यूल्स बनाना। मॉड्यूल्स क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे एक कोड बना लिया अपना, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोग्राम मैंने बना लिए, नंबर ऑफ प्रोग्राम बना लिए मैंने, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि इन सभी प्रोग्राम के अंदर एक जो कोड है वो सिमिलर है, ठीक है, क्या है, सिमिलर कोड है, इन सबके अंदर कोड सिमिलर है, तो मुझे इन सबके अंदर वो कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं क्या करूं कि एक पेज और बनाऊं और उसके अंदर उस कोड को लिख दूं जो सब में यूज होने वाला है, और इस कोड को मैं इन सबके साथ बाइंड कर दूं, यानी कि जब ये वर्क करे इस कोड को अपने आप उठा ले, जब ये वर्क करे तो इस कोड को अपने आप उठा ले, जब ये वर्क करे तो इसको, मतलब कि इसको क्या करूं मैं, एक मॉड्यूल बना के सबके साथ रन करा सकता हूं। तो ये होती है मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, जो कि कंप्यूटर्स के अंदर होती, सॉरी सी प्रोग्रामिंग के अंदर होती है, ठीक है। ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि ये मॉड्यूलैरिटी है इसके अंदर। ये क्या करता है, एक मॉड्यूल बनाओ और उसको कहीं से भी रन करा लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, लेजर नंबर ऑफ कीवर्ड्स। अब देखिए लेजर नंबर ऑफ कीवर्ड्स का मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास कितना है, टोटल कीवर्ड्स जो हैं वो कितने हैं, 32, और ये बहुत ही कम है, एक बार में आप याद कर सकते हैं 32 के 32 कीवर्ड्स को। ऐसा नहीं कि 200-400 कीवर्ड्स रखे हैं और सबका अपना अपना मतलब होता है, नहीं। एक सेकेंड, हमारा पीसी ऑफ हो गया, ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सी लैंग्वेज अलोस। अच्छा, सी लैंग्वेज अलोस, ये आपको पढ़ के नहीं पता लगेगा, बताना ही पड़ेगा आपको क्या होता है, इसका मतलब क्या है। सी लैंग्वेज अलोस का मतलब है कि जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज क्या करती है, अपनी एक लाइब्रेरी फंक्शन रखती है, लाइब्रेरी फंक्शन रखती है। यानी देखिए सी लैंग्वेज के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूं और सी लैंग्वेज को मैं कह रहा हूं कि एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, चलिए इसी पे करा देता हूँ आपको, ऐसे मिटाऊंगा तो आपको पता नहीं लगेगा। एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं, और प्रोग्राम क्या है, हैशटैग इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट हैश, ठीक है। इंट मेन, ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना, इंट मेन कर लीजिए या कुछ, यहां मैं बात करता हूँ, क्लियर स्क्रीन, LRSC, क्लियर स्क्रीन, देन मैं बात करता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने ये लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए, इतना ही काफी है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है समझा दूँ, मैंने ये लिखा इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, यानी मैंने कहा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल जो है उसे इंक्लूड करो, और हैशटैग से मैंने उसको इंक्लूड कराया। यहाँ मैंने लिखा इंट मेन, यानी जो मेरा काम है वो इंटीजर का है मेन। मैंने नीचे लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का मतलब होता है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ उसे प्रिंट कराओ। अब एक बात बताइए, कंप्यूटर पहली बात तो इसे समझता ही नहीं है, कंप्यूटर को तो नहीं आता ना इंग्लिश लैंग्वेज के, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है वो उसका क्या काम करने वाला है। ये चलिए मैं कहता हूँ उसको समझ भी आ गया तो उसे क्या पता कि प्रिंट एफ क्या है, ठीक है। तो प्रिंट एफ काम क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, तो उसे को ही कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। वो लाइब्रेरी में लिखा होता है कि इंट क्या काम करेगा, प्रिंट एफ क्या काम करेगा, स्कैन एफ क्या काम करेगा, 32 कीवर्ड्स जो है ये क्या काम करते हैं, ये कहां लिखा होगा, उस लाइब्रेरी में लिखा होगा, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी को क्या करता है, ये अलो करता है, खुद का एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज के अंदर, ये लाइब्रेरी फंक्शन को अलो करता है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम बनाएंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम होता कैसे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को क्लियर करते जा रहे हैं और इस चीज को ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे भी, ये होता क्या क्या है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए
पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कैसा होता है मैं बनाता भी जा रहा हूँ आपको, दिखाता भी जा रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन, नेक्स्ट होता है हमारे पास मेन फंक्शन, देन आता है हमारे पास स्टेटमेंट, फिर आता है नॉन स्टेटमेंट, देन आता है हमारे पास वन एंड यूजर डिफाइंड, कि यूजर क्या डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन वो होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम का नाम लिखते हैं कि हम क्या काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ ए प्लस बी का इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर नाम नहीं दिया, तो मैं जानता हूँ कि मैंने प्रोग्राम क्या बनाया है, ठीक है। लेकिन जो सामने वाला आगे पढ़ना चाहेगा कि प्रोग्राम कौन सा था, वो इसे रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रीडेबल नहीं रह जाएगा, उसको पता ही नहीं कि क्या है, उसको पूरा प्रोग्राम ए टू जेड रीड करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रहा है, वो तब जाकर समझेगा कि प्रोग्राम है किस चीज के ऊपर, किस बेस के ऊपर। और अगर मैंने कुछ एरर लिखा है तब तो बैंड ही बज गया समझो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको उसको समझना होगा कि हमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखते हैं, देखिए कैसे ये चीज होती है। इसके अंदर जैसे मैं लिखा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और फिर मैंने लगाया, ठीक है। अब जब भी मैं इसको स्लैश देकर स्टार लिखता हूं और स्टार देकर स्लैश को बंद करता हूं, ये इस चीज को रीड ही नहीं करेगा, प्रोग्राम को ये रीड ही नहीं करेगा, ये सिर्फ समझने के लिए हमारे ऊपर कि एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिख दिया हमने, और ये हमें समझने के लिए कि हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है, कंप्यूटर से रीड नहीं करेगा, क्योंकि इस इन दोनों का मतलब होता है कि हमें इसे रीड नहीं कराना है, रीड नहीं कराना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे आते हैं, इसकी लाइन समझ लिया क्या है। इन दिस सेक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू कॉल डायरेक्टिव्स, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, कॉल कराने के काम आती है, क्या कॉल क्या कराती हैं, डायरेक्टिव्स। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये क्या चीज है, ये चीज है कि ये कॉल करो, ठीक है, हैशटैग कॉल करो और इंक्लूड करो जहां भी वो फाइल मिल जाए, क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल मिल जाए उसे वहां से इंक्लूड करो डॉट हेडर फाइल में। हेडर फाइल के अंदर क्या करना है आपको, कॉल करना है। इसका मतलब होता है, ऐसे ही नहीं लिखता हम इसको, इसके पीछे का मतलब है, हैशटैग का मतलब है कि कॉल करो, इंक्लूड का मतलब वहां से उठा लो, स्टूडियो इनपुट आउटपुट क्या उठाना है वहां से, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में जो भी कोड्स लिखे हैं उन्हें उठा लो डॉट एच, और उसे कहाँ रखो, हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या कहते हैं, दिस सेक्शन इज ऑप्शनल, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपको कुछ डिक्लेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये फंक्शन शेयरिंग के काम आता है, इसको लिख लीजिए फंक्शन शेयरिंग। ये प्रोग्राम में वैसे यूज नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसे इरेज ही कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन, ठीक है, जैसे मैंने इसे कॉल करा दिया, एक और चीज कॉल कराना होता है, हैशटैग इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट, कोनियो होता है इसका मतलब, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आता है मेन मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन क्या कहता है, मेन फंक्शन में चल लीजिए, इन दिस सेक्शन एग्जीक्यूशंस ऑफ एवरी सी प्रोग्राम मेन फंक्शन इज आर यूज टू, मेन फंक्शन इज डिक्लेयर द कोड वी यूज आफ्टर द ब्रेसिस इन द प्रोग्राम। कहने का मतलब है कि जो मेन फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ, कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी मैं लिखने वाला हूँ प्रोग्राम, वो मेरा मेन काम है, उस पर ध्यान दे कंप्यूटर, बाकी कहीं पे ध्यान मत दे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट, कर्ली ब्रेसिस के अंदर आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को प्रिंट कराना है तो मैं इसको स्टेटमेंट दूंगा, प्रिंट एफ, प्रिंट करो क्या हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसे प्रिंट कर दो जी, बस यही मुझे काम कराना है। तो स्टेटमेंट हो गया। नॉन स्टेटमेंट क्या होगा,
कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, फॉर एग्जांपल के लिए कैसे, हाँ अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ स्कैनएफ, हालांकि इसमें कुछ स्कैनएफ है नहीं, कुछ भी यहाँ पे मुझे स्कैन करने की जरूरत है नहीं, और मैं इसको लिख लूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए आई ले लेता हूँ, तो ये कोई वर्क नहीं करेगा, इंटीजर आई कोई इसका वर्क है ही नहीं, ठीक है, आई को क्या इंट कराएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो आई इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कुछ भी नहीं, इसको बंद करते हैं, तो ये क्या है, नॉन स्टेटमेंट्स है, इसे कोई मतलब नहीं है, ये लिखो ना लिखो एक बराबर है, तो नॉन स्टेटमेंट अभी यूज होता नहीं है, कहीं कहीं भी यूज होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं करना, डायरेक्टली आंसर है, तो ये भी हमें ऑप्शनल ही है, इसको हम लिखे ना लिखे, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं एक बार, इसके बाद इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं एरर की तरफ। पहला चैप्टर हम क्लियर करते जा रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, जब हम प्रोग्राम करेंगे हमें सब समझ आता जाएगा। पहला एरर इन सी, ठीक है, तो पहली लाइन समझ लीजिए क्या लिखे, नो वन कैन परफेक्ट राइट इन सी प्रोग्रामिंग, एवरी वन कैन मिस्टेक्स टू राइट अ प्रोग्राम। कहने का मतलब है कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एक बार में ही प्रोग्राम को सही लिख दे, कुछ ना कुछ एरर वो करता है, लेकिन एरर जब हो जाए तो क्या करे, एरर पढ़ना आना चाहिए, एरर रीडेबल होना चाहिए इंसान को, तभी जाके उसको सही कर पाएगा वो, तो वो हम सीखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं एरर, ठीक है। तो चलिए एरर कितने टाइप के होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर एंड लिंकर एरर। अब ये चार टाइप्स के एरर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, अब इन एरर्स के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहला एरर क्या है, पहला एरर है सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर क्या होता है, सिंटेक्स एरर होता है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और इस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, मैं ए प्लस बी का प्रोग्राम बनाता हूं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ए प्लस बी का प्रोग्राम है, ठीक है, हैश टैग इंक्लूड, कॉल आ गया था, कोनियो डॉट एच, ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे इंट मेन क्लियर स्क्रीन सी एल आर एस सी आर, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम अपना इंटीजर ए बी एंड सम, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। अब देखिए मैं कंप्यूटर को क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर को मैं वर्क कराता जा रहा हूँ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में से पूछे एंटर योर वैल्यू, ठीक है, एंटर वैल्यू ए एंड बी, ठीक है, ए और बी की वैल्यू पूछे मेरे से, वो स्कैन एफ, स्कैन एफ क्या होना चाहिए, परसेंट डी एंड ए एंड बी, ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, जैसे हम स्कैन एफ कर लेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो होगा सम ए प्लस बी, ठीक है, देन यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ द सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू परसेंट डी एंड यहाँ पे आ जाएगा सम, यहाँ पे आ जाएगा गेच, इसे कर देंगे बंद। अब देखिए अब इस प्रोग्राम को मैं आपको समझाता हूँ और फिर इसके अंदर एरर भी समझाऊंगा। ये प्रोग्राम को आप देखिए, प्रोग्राम में मैंने क्या किया, प्रोग्राम में मैंने कंप्यूटर को कहा कि कंप्यूटर एंटर ये वैल्यू, मुझसे ए पहले इसकी बात कर लेते हैं, मुझसे ए एंड बी की वैल्यू पूछो, ठीक है, उसने मुझसे पूछा ए एंड बी पूछेगा मेरे से, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा एंटर योर वैल्यू ए एंड बी, फिर मैं ए बताऊंगा ए इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू 20, ये क्या करेगा सम 30, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले मुझसे पूछेगा, इस वर्क के लिए मैंने इसको क्या कराया, प्रिंट एफ कराया, स्कैनएफ किसके लिए कराया, स्कैनएफ कंप्यूटर को पता तो होना चाहिए ना कि ए और बी क्या उठाना है, तो ए और बी मैंने क्या बताया एंड परसेंट डी लगाना होता है, परसेंट डी ए इसका लिखने का रूल होता है, एंड का मतलब होता है लोकेशन देना, कहां ए एंड बी, तो ये ए एंड बी के पास चल जाएगा, यहां से वहां जाकर देखिएगा क्या है ए एंड बी, इंटीजर है, ठीक है,
सम भी क्या देखेगा कि इंटीजर है, ठीक है। तो समझ गए कि ए और बी जो एंटर कराने वाला हूं मैं, वो क्या इंटीजर्स होने वाले हैं, और सम में जो रिजल्ट आने वाला क्या होने वाला है, इंटीजर होने वाला है, ठीक है। ये दो वर्क कराया। थर्ड वर्क आया, ठीक है, थर्ड वर्क आया सम। उसने क्या करना है, ए और बी जैसे मैंने उसको एंटर कराना है, उसने क्या करना है, यहाँ पे ए रखना है, यहाँ बी रखना है। पहले उसने चेक करने की क्या है, चेक करने के बाद ए और बी को रखना है, ए और बी प्लस हो जाएंगे, यानी 20 और 10 प्लस होने के बाद 30 हो जाएगा। 30 कहाँ एंटर हो जाएगा, सम के अंदर आ जाएगा। थर्ड वर्क भी हो गया, इसके अंदर एंटर हो गया। सम जब आ गया 30, तो मैंने क्या करा है, प्रिंट एफ द सम ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो उसमें क्या लिखेगा आगे, आगे लिखेगा वो द सम ऑफ ए प्लस बी, और मैंने क्या दिया लोकेशन कि सम के पास जाओ, यहां से उठ के जाएगा कहां, सम के पास, सम में जो वैल्यू की कहां एंटर कर देगा वो, यहां पे। तो हो गया वैल्यू एंटर 30। लेकिन यहां एंटर होने से पहले जब यहां जाएगा और इसे रीड करेगा, इससे पहले ये सम को ढूंढते हुए ऊपर जाएगा, ऊपर ढूंढने का सम क्या है, इंटीजर। यहां पे आके आएगा आंसर इंटीजर, ए प्लस बी होकर जब प्लस होगा जिसमें वैल्यू पुट होकर क्या होगी, इंटीजर। यहां से वैल्यू पुट होकर कहां जाएगा, इस सम के अंदर, और यहां पे वैल्यू हमको आ जाएगा इंटीजर। गेच मैंने रखा कि स्क्रीन होल्ड रहे कुछ सेकंड के लिए, कि मुझे उसमें पढ़ना है, तो होल्ड करने के लिए गेच लगाया, प्रिंट एफ लगाया था रिजल्ट के लिए, ये समझ गए आप। कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम करना होता है, तो कर्ली ब्रेसेस भी आप समझ गए क्यों लगाया। क्लियर स्क्रीन का मतलब होता है कि जो स्क्रीन है हर बड़ी साफ हो गया है, नहीं तो पता क्या होता है, जैसे मैंने रिजल्ट करा लिया, ये अगेन जब मैं इस पर रन करूंगा तो अगेन यही पुट होके आ जाएगा, यही ऐसे छप के आ जाएगा, ये दो दो हो जाएंगे, अगेन करूंगा तो तीन तीन हो जाएंगे। तो हर बारी नया पेज आए तो उसके लिए क्या लगाना होता है, क्लियर स्क्रीन। इसका भी मतलब आपको पता लग गया। इंटीजर क्यों लिखा था मैंने, ताकि जो ए बी और सम होने वाले काम वो इंटीजर होने चाहिए, यानी मैंने आपको सब बता दिया कि सब क्या है, ठीक है। अब बात आती है ऊपर के तीन डायरेक्टिव्स की, ये क्यों लिखा था मैंने, ये इसलिए लिखा था क्योंकि प्रिंट एफ क्या काम करेगा, ये कहां लिखा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर। तो मैंने क्या किया, इस कोड को कॉल कराया लाइब्रेरी फंक्शन से, हैशटैग इंक्लूड से, ठीक है। स्कैन एफ क्या काम करेगा, गेट क्या काम करेगा, क्लियर स्क्रीन क्या काम करेगा, किसमें लिखा है, कंसोल इनपुट आउटपुट में, तो इसको भी मैंने बुलाया हैशटैग इंक्लूड से। इंट मैंने मैंने कंप्यूटर को बताया कि मेरा जो नीचे का काम है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो मेन काम है, उस पर ध्यान दे कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाया। अब हम बात करते हैं एरर की, ठीक है, कि एरर कैसे पता लगता है, हाउ टू फाइंड एरर, ठीक है। तो देखिए एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं और एरर आती कैसे है। फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरा सब सही था, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था, लेकिन एरर अगर हो तो कैसा हो, सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर का मतलब है, यहां मैंने लिखा इंट ए बी सम, इंट लिखा है, अब इंट के जगह जगह मैंने एंट लिख दिया होता, ई एन टी, तो ये क्या है, इसे कहेगा कि सिंटेक्स एरर है, कंप्यूटर मुझे एरर देगा और क्या कहेगा कि सिंटेक्स एरर है। और आप अपने कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम में ढूंढो कहां आपने सिंटेक्स गलत लगाया है। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई, अगर इसमें ना लगाता, सॉरी कॉलन सेमी कॉलन लगाया, इसको मैं ना लगाता और सिर्फ लिखता सी एल आर एस सी आर, तो ये सिंटेक्स एरर बताता। अगर मैंने गेच के आगे ना लगाया होता तो सिंटेक्स एरर बताता। और अगर मैंने मान लो किसी सम के अंदर दो दो तीन तीन लगा दिए होते, जैसे ऐसे दो दो तीन तीन लगा दिए होते, तब भी एरर बताता, क्योंकि इस एरर को क्या कहते हैं, सिंटेक्स एरर कहते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर इसे सिंटेक्स एरर बताता है आपको, कहता है कि एरर गलत है, सिंटेक्स एरर है, आप अपने सिंटेक्स को सही कीजिए। तो इसे फाइंड करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अगर आप सी प्रोग्राम को थोड़ा भी जानते हैं तो इसको बहुत ईजी होता है फाइंड करना, सिंटेक्स एरर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरा आता है हमारे पास लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर के अंदर देखिए क्या होता है, लॉजिकल एरर के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लगाया था सम ए प्लस बी क्या होना चाहिए, सम, ठीक है। अब लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर पहले बात बता दूं आपको, फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा, क्योंकि आपको प्रोग्राम तो आपका सब सही है, लॉजिक में प्रॉब्लम है। अब जब तक आप लॉजिक नहीं सही करोगे तब तक आपको तो प्रॉब्लम आता रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं देखिए, मैं यहाँ पे लिखा होता सम, मैं सम कर रहा हूँ ए प्लस बी कर रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बी, तो जो रिजल्ट आएगा मेरा वो मल्टीप्लाई होके आएगा। जैसे मान लीजिए ए होता 2 और बी है 4, ठीक है, तो 4 दूनी यहाँ पे 8 आ जाएगा, बट मुझे आंसर क्या चाहिए, 6 प्लस करके चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है 8। तो ये जो गलती है, ये गलती मुझे फाइंड आउट करना होगा कि ये लॉजिक ही गलत लगाया हूँ, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक्स गलत लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को एरर्स आ रही है। तो इस एरर क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अपने ही फॉर्मूलाज के अंदर चेक करना होता है कि आपने क्या गलत किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रन टाइम एरर, ठीक है। थर्ड आता है रन टाइम एरर।
अब देखिए आपका प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम भी बन गया, प्रोग्राम इजिली कंपाइल भी हो गया, ठीक है। बट जब मैं रन कर रहा हूँ तो रन के समय ये रन नहीं हो रहा है, ये रन टाइम एरर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे चेक करना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर कि प्रोग्राम के अंदर जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो कुछ एरर कैसे फाइंड हो रहे हैं, कुछ तो एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये रनिंग करते समय प्रॉब्लम दे रहा है, वैसे नहीं प्रॉब्लम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका भी वैसे ही है, प्रोग्राम मैंने बनाया है, यही बनाया मैंने, प्रोग्राम पूरा बन भी गया, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ए प्लस बी का रिजल्ट आना चाहिए, वो ए डिवाइड बी का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है रन टाइम एरर की, रन करते समय कुछ गलती आ रही है, प्रोग्राम हमारा सही है बस रनिंग के समय प्रॉब्लम आ रही है। तो रनिंग के समय चेक करने के लिए क्या होगा, लॉजिक चेक करना होगा, सिंटेक्स होता तो रन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपको इन दोनों को चेक करना होगा कि इन दोनों में कुछ एरर तो नहीं है। थर्ड आता हमारे पास लिंक, फोर्थ आता हमारे पास लिंकर एरर। इस एरर के अंदर आपको फाइंड करना होता है कि आप जो लिंक कर रहे हैं, मॉड्यूल्स बना रहे हैं या कुछ भी, जब आपस में लिंक कर रहे हैं तो वो एरर क्यों दे रहा है, ठीक है। दो प्रोग्राम को आप लिंक करा रहे हैं और उसके बाद में एरर दे रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका पहला फाइंड और दूसरे में अंदर लिंकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपने सिंटेक्स गलत ना दिया हो, रन टाइम लॉजिकल एरर्स ना आपने गलत किया हो, जिसकी वजह से फोर्थ आता अपने पास लिंकिंग एरर, ठीक है। तो ये तो थी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बेसिक्स क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आ गया, हमारे पास एरर्स आ गए, हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्रोग्राम आ गया, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्राम आ गया, ठीक है, कि सी प्रोग्राम की हिस्ट्री क्या है। सी प्रोग्राम की हिस्ट्री अगर अगेन हम बात कर लें, इसे मिटाते हुए मैं बात कर लेता हूँ आपसे सी प्रोग्राम के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्राम क्या था, 1972 के अंदर, जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, डेनिस रिचे ने बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसे तैयार किया था, यूएसए के अंदर, ठीक है। इससे पहले जो लैंग्वेज तैयार थी उसका नाम था BCPL, जिसे बी लैंग्वेज भी कहते थे, बट वो एडवांस नहीं थी। एडवांस लैंग्वेज किसने बनाया था, डेनिस रिचे ने बनवाया था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते दूसरे चैप्टर की तरफ।